हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अनअकैडमी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। तो चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज की बात करते हैं। आज हम जानेंगे कि मॉरपोल ट्रीटी क्या है, किससे संबंधित है, कि मॉरपोल ट्रीटी में कौन कौन सी बातें हुई, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व और आपके एक विशेष प्रकार का हार्बिड स्प्राउ है उसके बारे में भी जानेंगे। एक ईल की जो प्रजाति है वह भारत में पाई गई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और इसी प्रकार से कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की आपसे चर्चा की जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दिस इज एस के शर्मा। आई हैव ए 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। आई ऑल्सो अपीयर 2 times UPSC इंटरव्यू एंड 4 times UPSC मेंस एग्जाम। आई ऑल्सो क्वालिफाइड गेट एंड IAS एग्जाम विच इज राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हमारी 3 क्लासेस होती हैं जो आप देख सकते हो। मेनली 2 क्लासेस आपकी डेली कंटिन्यू होती हैं आपके 10:30 और 12 PM पर। और आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस के बारे में जानते होंगे, परंतु कुछ नए छात्रों को हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप डेली लाइव क्लासेस ले सकते हैं। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं और इंडिया के बेस्ट 80+ एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो इन सभी एजुकेटर से पढ़ने का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। हर पर मंथ आपकी डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपनी पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर कर सकते हो। पूरे कोर्सेज के अंदर अपनी प्रिपरेशन क्या है, किस लेवल पर हो, उसे आप ट्रैक कर सकते हो। तो कंप्लीट गाइडेंस के साथ में 100% सक्सेस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी के साथ आप अनअकैडमी प्लस पर पढ़ सकते हो। लाइव क्विजेज, टेस्ट, ऑप्शनल, एवरीथिंग आपका यहाँ पर कवर करवाया जाता है, वो भी एक बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस में। और उसे ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आप ले पाएंगे 40,000 में। यूज करो यहां पर रेफरल कोड SSLIVE, SSLIVE रेफरल कोड यूज करो, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 36,000 में आप कंप्लीटली 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब कर पाएंगे। और अगर आप UPSC 21, UPSC 22 या फिर UPSC 23 के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप एक हैवी डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको 73% ऑफ दिया जा रहा है 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर। तो जो सब्सक्रिप्शन आपका 52,000 का है वह आप SSLIVE रेफरल कोड के साथ में 46,800 में सब्सक्राइब कर सकते हो। तो SSLIVE रेफरल कोड के साथ में आप इस हैवी डिस्काउंट का फ़ायदा ले सकते हैं, कंप्लीट अपनी स्ट्रेटजी प्रिपरेशन यहां पर अनअकैडमी के साथ में पूरी कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन SSLIVE रेफरल कोड के साथ 36,000 में, और जो आपका 2 ईयर सब्सक्रिप्शन है SSLIVE रेफरल कोड के साथ में 46,800 में आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो खासकर इस लिमिटेड ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। ओनली 10,800 के डिस्काउंट में आप कंप्लीटली 1 ईयर के लिए एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो खासकर जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं और अभी से रैंक ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के साथ में, और रेफरल कोड यूज कीजिएगा SSLIVE आपको यूज करना है। अगर आप प्रीलिम्स 2020 के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स को करना चाहते हो, सभी विषय के कंप्लीट करंट अफेयर्स, तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स अभी स्टार्ट हुआ है, पुरानी क्लासेस के आपकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, कंप्लीटली 2 ईयर्स करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स 2020, और इसे आप ज्वाइन करेंगे SSLIVE रेफरल कोड के साथ में। SSLIVE रेफरल कोड के साथ में सक्सेस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके सभी चीज़ों को, सारे न्यूज़पेपर्स को, सारी मैगजीन्स को कवर किया जा रहा है। और जो हमारी क्लासेस होती हैं, क्लासेस के लिए आप हमारे क्लासेस की जो PDF है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एस के शर्मा UPSC स्टूडेंट फोरम सर्च करो, @unacademy_sk_sharma, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। यहाँ पर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हो। चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, इस सब्जेक्ट के बाद में हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, देखिए इसके बाद में एक बार आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी कंप्लीट हो जाए फिर हम आपको
इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स का जो आपका विषय है उसके करंट अफेयर्स की बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक इंडियन इकोनॉमी पर अगले मंथ से आपकी कंप्लीट 30 आवर्स में इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करवाने के लिए कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट मंथ से, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं मोरपोल ट्रीटी की। तो देखिए सल्फर का जो उत्सर्जन है, आपको हमने बताया था सर आपके पॉल्यूटेंट्स में वायु प्रदूषकों के अंदर आपके बहुत सारे औद्योगों से ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है यह वायुमंडल में जाते हैं और फिर आपके HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, अम्ल वर्षा होती है, बहुत सारे स्मारकों का भी क्षरण हो जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं आपके जलवायु प्रदूषण होती हैं, अम्लीयता मिट्टी में बढ़ जाएगी तो पेड़ पौधों को भी नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही आपके सल्फर उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक संधि है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका नाम है मोरपोल ट्रीटी। तो उस पर आपके क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहले भी आपके इस प्रकार की संधियों पर क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल ट्रीटी जो है आपके मॉन्ट्रियल संधि वह आपके किससे रिलेटेड है, ओजोन परत के क्षरण से। वैसे ही सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई है जिसका नाम है मोरपोल ट्रीटी। तो देखिए ग्लोबल डेटा नामक एक डेटा और विश्लेषण कंपनी के अनुसार हेलो एवरीवन, रिफ्रेश कर लीजिए अपना। देखिए नेटवर्क इशू है, अब इसका नेटवर्क इशू का हमने कंप्लेन कर दी है और मिनिमम एक दिन लगता है आपके नेटवर्क इश्यूज़ को रिजॉल्व होने में, तो मिनिमम एक दिन तो ये प्रॉब्लम रहेगी। कल ही हमने कंप्लेन तो कर दी थी पर अब देखते हैं, एक दिन तो मिनिमम टाइम देना ही पड़ेगा, है ना। आई थिंक अब ठीक चल रहा होगा। देखिए सल्फर उत्सर्जन, अगर आपके नेट ठीक नहीं हुआ तो हम ऐसा करेंगे आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस दे देंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बफरिंग्स नहीं होती है, पर वो ये हम चाहते हैं कि आपसे लाइव इंटरेक्शन हो, आपके कुछ क्वेश्चन हो वो भी हम ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, पर जहाँ तक है एक दिन में आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो देखिए ओपन लूप स्क्रबर्स और क्लोज लूप स्क्रबर्स आपके जहाज़ों के अंदर लगाए जाते हैं, और जहाँ पर क्लोज लूप स्क्रबर्स होते हैं वो सल्फर अर्थात गंधक का इतना उत्सर्जन नहीं करते और महासागरों में सल्फर नहीं जा पाता, जबकि अगर जो ओपन लूप स्क्रबर्स होंगे वो आपके बहुत ज़्यादा प्रदूषण अपनाते हैं और प्रदूषण ज़्यादा होने की वजह से आपके वो महासागरों में सल्फर का उत्सर्जन ज़्यादा करेंगे। सल्फर का उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा तो फिर आपके पानी प्रदूषित हो जाएगा। तो ऐसा आपका 2018 के अंदर देखा गया कि 2018 में जहाँ पर सिर्फ 767 जहाज़ों में स्क्रबर लगे हुए थे, वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 3756 हो गई, और इससे आपके खासकर इन सभी जहाज़ों में सिर्फ 65 जहाज़ों के अंदर ही आपके क्लोज लूप स्क्रबर हुआ करते थे, केवल 65 जहाज़ों में ही क्लोज लूप स्क्रबर थे, बाकी सभी जगह आपके ओपन लूप स्क्रबर्स हुए, तो उसकी समस्या से काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट हो रही थी। तो इनके वजह से सरकार को इनको नियमित करना था और कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि बनानी थी, तब हमारे पास एक संधि आती है मारपोल ट्रीटी। क्या नाम है इसका? मारपोल ट्रीटी। तो प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, मारपोल संधि किससे संबंधित है, यहाँ पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मारपोल संधि किससे संबंधित है। तो यह एक आपके इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO द्वारा 2 नवंबर 1973 को अपनाई गई थी। इस संधि के अंतर्गत जलयानों से जो भी प्रदूषण होता है उस जलयानों से प्रदूषण होने वाले प्रदूषणों को रोकने और घटाने के लिए नियमों का प्रावधान है, परंतु आपके मारपोल ट्रीटी को भी ढंग से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और दिन प्रतिदिन आपका यहाँ से भी आपके प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
ध्यान रखिए, और ये जो एक संधि है वो एक प्रतिबंधकारी संधि है। अगर तुमने इस पर साइन कर दिया किसी भी देश ने, तो वो आपको नियम अपनाने ही पड़ेंगे, 100% आपको वो नियम अपनाने पड़ेंगे। प्रतिबंधकारी बाध्यकारी संधि है ये। अगर जिन देशों ने मारपोल ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, उन सभी देशों के जहाजों को इस संधि के नियमों का पालन करना होगा, अनुसरण करना होगा। अगर वे जहाज कहीं पर भी जाते हैं तो उन नियम कानूनों को अपनाना पड़ेगा, जैसे कि इन सभी देशों को क्लोज लूप स्क्रबर्स को यूज करना पड़ेगा ताकि आपके सल्फर का उत्सर्जन कम से कम हो, परंतु क्लोज लूप स्क्रबर्स ये नहीं लगाएंगे तो ये समस्या आपकी बनी रहेगी। तो इसीलिए इसकी पालना करवा पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और इसी के इम्प्लीमेंट से रिलेटेड अगर इसकी पालना नहीं हुई, मारपोल ट्रीटी ऐसी ही चलती रही, तो समस्याएं आपके बनी रहेंगी। देखिए, मारपोल संधि के अंदर आपके अलग अलग परिशिष्ट हैं, अलग अलग एनेक्स हैं, NX1, NX2, NX3, NX4, NX5 और NX6, ऐसे अलग अलग परिशिष्ट हैं। तो इसके अंदर आपके यहां पर आप देख सकते हो, हमारे NX1 के अंदर वो सारे रूल्स रेगुलेशन हैं जो आपके तेल से फैलने वाले पॉल्यूशन को रोकते हैं, जैसे कि आपके कहीं ऑयल स्पिलेज हो गया महासागरों में, तो उसके लिए बाध्यकारी नीति अपनाएंगे आपके ऑयल को। 2 अक्टूबर 1983 को NX1 बना था आपका, जिसके अंदर ऐसे नियम बनाए गए जो आपके अगर जलयान कोई समुद्र में तेल फैला देते हैं तो उसके लिए बाध्यकारी प्रतिबंध होंगे। ऐसे ही इसका जो NX2 है उसके अंतर्गत आपके कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन बाय नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस इन बल्क, अगर आप कोई प्रदूषणकारी कोई ऐसा विषैला पदार्थ बहुत ज्यादा बल्क में लेकर जा रहे हो तो उसको कंट्रोल करने का काम ये करेगा। NX3, NX2, NX3 के अंदर आपके क्या किया जाएगा, कोई भी आपके पॉल्यूशन फैलाने वाला कोई ऐसा पदार्थ तुम लेकर नहीं जा सकते जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, जिसका रिसाव होते ही पूरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर नुकसान हो, तो उसको यहाँ पर 1992 के अंदर बैन किया गया। ऐसे ही आपका परिशिष्ट 4 NX4 के अंदर सीवेज, आपका जो सीवरेज है उससे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, जहाजों के अंदर भी सीवरेज होंगे क्योंकि वहां पर भी आपके ऑब्वियसली मनुष्य तो रहते ही है, तो उनका जो मल होगा उसका उत्सर्जन भी NX4 के अंदर प्रतिबंधित किया गया। परिशिष्ट 5 के अंदर जो जहाजों का जो कचरा होता है वह समुद्रों में नहीं डाला जाएगा, अगर समुद्रों में डाला तो यहाँ पर तुम्हें उसका भरना पड़ सकता है। ये आपके NX4 में था। और अंतिम NX जो 2005 में आया, उसके अंदर उन सभी पदार्थों को, खासकर जो आपके जलयान हैं उनकी चिमनियों से कुछ ऐसे धुएं निकलते हैं जो आपके कैटेलिकली काफ़ी ज़्यादा वायु को प्रदूषित कर सकते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए NX6 बनाया, जो कि आपके जलयानों के माध्यम से होगा। तो ये सारी समस्या तो देखिए, NX की बात हम आपसे कर चुके थे, NX 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी NX की बात आपसे हो गई है। तो देखिए, ये NX 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बात हमने कर ली। तो देखिए, मारपोल ट्रीटी में क्या होता है आपका जलयानों से होने वाले वायु प्रदूषण को, अब देखिए वायु प्रदूषण के अंदर आपके मेनली यहाँ पर हम सल्फर कंटेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो वायु प्रदूषण हो रहा है जलयानों से, ओपन स्क्रबर्स यूज किए जा रहे हैं, उससे आपके सल्फर की काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो देखिए, सल्फर और नाइट्रोजन के जो नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि ओजोन परत को घटाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं और आपके ओजोन परत का क्षय करते हैं, उनके उत्सर्जन को रोकने के लिए हमने कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, मारपोल की फुल फॉर्म क्या है आपके, कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स यानी जलयानों से, उसका NX6 जो अभी लास्ट में आपने बात की थी NX6 की,
तो उसके परिशिष्ट 6 के अंतर्गत हमने सल्फर पर नियंत्रण करने की बात की है और इसको 2008 में IMO इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा परिशिष्ट 6 की बात के अंदर चीजें आ रही हैं, मारपोल ट्रीटी आपके सल्फर से होने वाले वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए है और यह मुख्यतः जलयानों पर बाध्यकारी एक संधि है कि अगर आपने इसको हस्ताक्षर कर दिए तो आपको इसके नियम कानून मानने पड़ेंगे, अगर नहीं मानोगे तो IMO आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो यह बाध्यकारी नीति है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मारपोल के बारे में बात हो गई। अब एक मैमल की, एक स्तन पाई जीव की हम बात करेंगे जो कि है आसी मैमल। यह विश्व का आपके पर्यावरण प्रदूषण से मरने वाला पहला स्तनपायी जीव है जो कि विलुप्त हो चुका है आपके। ये रोडेंट्स होते हैं, जैसे कि चूहे जो होते हैं वो आपके चीज़ों को कुतरते हैं, उनको कहते हैं रोडेंट्स या कृतन। तो उन कृतन के जीवों के अंदर हमारे चूहे भी मैमल हैं, आप सभी के मानव जो हैं वो भी मैमल हैं। तो इसके अंदर जो कृतन होते हैं वो आपके वायु प्रदूषण से, पर्यावरण प्रदूषण से मर चुके हैं और ये पाए जाते थे आपके ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में। ग्रेट बैरियर रीफ का नाम आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ पर जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, यहाँ पर जो कोरल रीफ्स हैं, वो कोरल ब्लीचिंग यहाँ पर हो रही है, प्रवाल विरंजन हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वैश्विक उष्णता बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग आपके बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से आपके ग्रेट बैरियर रीफ पर काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसी की वजह से आपके यहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रवाल विरंजन हुआ, इनके खाद्य श्रृंखला में प्रभाव पड़ा और ये आपके विलुप्त हो गए। अब टोटली विश्व में उपस्थित नहीं है आपके आसू मैमल, और जैसे ऑस्ट्रेलिया से ही इसका नाम रखा गया है आसी मैमल। तो यह आपके ऐसे पहले स्तनपायी जीव हैं जो मानव जनित जलवायु परिवर्तन से समाप्त हो चुके हैं। विश्व के पहले ऐसे स्तनपायी जीव जो आपके मानव जनित जलवायु प्रदूषण से समाप्त हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल चूहे की तरह ही दिखाई देता है ये मैमल, और इसका साइंटिफिक नेम है ब्रम्बल के मैलोमिस इसका साइंटिफिक नेम है। और इनका जो कई पिछले दशक से 10-11 साल से दिखा भी नहीं है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। उनका जो ज्ञात वास स्थान हुआ करता था वह आपके सुदूर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक छोटे से रेतीले द्वीप हुआ करते थे जो कि आपके जलवायु प्रदूषण की वजह से समाप्त हो गए हैं। तो ये आपके पहले ऐसे स्तनपायी जीव हैं जो जलवायु प्रदूषण से समाप्त हो गए। इनके देखो गायब होने के पीछे एक मेन रीजन क्या पाया गया कि ये लोग समाप्त हुए, क्योंकि आपके इनका जो रेतीला द्वीप था वहां जाने वाली जो प्रवाल भित्तियां हैं वह बार बार समुद्री जल सैलाब को यहां पर ले आती थी। जो प्रवाल भित्तियां आपके, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के, वहीं पर एक रेतीला आइलैंड हुआ करता था और जो प्रवाल भित्तियां हैं वो बार बार यहां पर समुद्री सैलाब को ले जाती थी और ये आपके जो कृतन है, जो रोडेंट्स हैं आपके आसू मैमल, वो फिर नष्ट होते हुए चले गए और फिर अब ये विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि आपके जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी समुद्र का जल स्तर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी हिमनद आपके ज़्यादा पिघल गए तो एकदम से सैलाब आया जल का और इन बेचारों को बहकर ले गया समुद्र में और ये फिर मर गए। तो इस तरीके से आपके विलुप्ति इनकी हुई। और साथ साथ आप देख सकते हैं एक 2016 का अध्ययन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वहां पाया गया कि टॉरेस जलड मरुमध्य, आपने जरूर पढ़ा होगा कि टॉरेस स्ट्रेट कहाँ है, आपके लोकेशन माइंड में याद करो, आपने वर्ल्ड मैप में पढ़ा होगा टॉरेस स्ट्रेट क्षेत्र में समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई और मौसम की घटनाओं की वजह से मानव जनित जलवायु परिवर्तन हुए और उससे ये आपके ब्रम्बल के ही मेलोमिस नष्ट हो गए। और ऐसे ही आपके यूरोपीय लोगों ने भी ग्रेट बैरियर रीफ पर एक प्रजाति मेलोमिस रूबिलिका को खोजा था और यह भी अपने कई लोग क्या करते हैं, यूरोपीय लोगों ने एक मेलोमिस की ही एक प्रजाति थी मेलोमिस रूबेलिका उसे खोजा और वो लोग अपने मनोरंजन के लिए ही जो बड़े चूहे हुआ करते थे उनको गोली से मार रहे थे, तो उस वजह से भी इनकी एक प्रजाति मेलोमिस रूबेलिका नष्ट हो गई। परंतु मानव जनित जलवायु प्रदूषण से अभी आपके ब्रम्बल कई मेलोमिस अर्थात ये जो आसी मैमल हैं ये नष्ट हुए हैं।
तो इनकी पूरी मैलोमस प्रजाति ही अब नष्ट है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आसू मैमल ध्यान रखेंगे, पहले स्तनपाई है आसी यानी ऑस्ट्रेलिया के पास ही मिलेंगे। चलिए फिर हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वह एक सूचकांक बना रहा है जिसका नाम है जलवायु भेद्यता सूचकांक, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। पर ये ध्यान रखिएगा नाम इसका क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, पर ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट नहीं बना रहा है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसमें गलती मत करना कि कहीं जलवायु नाम देखते ही आपको लगे तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बनाएगा, नहीं, ये आपका डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना रहा है। तो कौन सा मंत्रालय होगा आपका, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मंत्रालय द्वारा ये बनाया गया है। तो ये सूचकांक आपके अभी इसी साल बनाया है, 2019 में इसकी रूपरेखा रखी गई थी, इस साल से लागू हो गया है। तो आपके देश के विभिन्न राज्यों के सामने जो जो जलवायु परिवर्तन के जो जोखिम होंगे वो भारत के विभिन्न राज्यों के जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को ये इंक्लूड करेगा, देखेगा, रिसर्च करेगा और उस पर आधारित एक पोर्टल बनाएगा कि हाँ इस राज्य में बाढ़ की ज़्यादा संभावना है, इस राज्य के अंदर चक्रवातों की ज़्यादा संभावना है, इस राज्य में आपके अर्बन हीट और वैश्विक उष्णता के ज़्यादा प्रभाव पड़ेंगे, तो हम उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसीलिए आपके जलवायु भेद्यता सूचकांक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। इसमें जिलेवार आंकड़े के साथ में क्या है, एक पोर्टल बनाया जाएगा। और मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा प्रभावित कहाँ करता है, हमारे हिमालय के गिरिपाद, पूर्वोत्तर राज्यों को। तो जो 12 हिमालयी राज्य हैं वो कैसे जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं, कैसे कौन कौन सी जलवायु परिवर्तन की समस्याएं उनके सामने उत्पन्न हो रही हैं, तो वो सभी चीजें आपके ये जलवायु भेद्यता सूचकांक दर्शाएगा। और इसी इसके तहत असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्यों को विशेष रूप से इंक्लूड किया गया है। और ये आपका जो UNFCCC है, जो आपका UN का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, उसमें भी बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि काफ़ी अच्छे 8 इंडिकेटर्स को हमने जलवायु भेद्यता सूचकांक में इंक्लूड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा टोटल 8 इंडिकेटर्स को इसके अंदर यूज़ किया है, 8 संकेतकों को हमने यूज़ किया है। टोटल इसके अंदर जो पैमाना दिया जाएगा वो 0 से 1 का दिया जाएगा। 1 का मतलब है कि जहाँ पर जलवायु परिवर्तन की भेद्यता अधिकतम है, जहाँ पर जलवायु के खतरे अधिकतम हैं। और असम जो है वो आपके 0.72 के स्कोर के साथ शीर्ष पर है कि असम के अंदर आपके काजीरंगा नेशनल पार्क और जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। तो ये आपके 0.72 के साथ में असम सबसे ज़्यादा जलवायु प्रभावित इलाका है। और दूसरे नंबर पर आपके मिजोरम आता है 0.71 के इस पॉइंट अंक के साथ। सिक्किम जो है आपका वो आपके अपेक्षाकृत कम असुरक्षित है क्योंकि सिक्किम आपका 0.42 का अंक दिखा रहा है। तो इन 12 राज्यों के अंदर मेनली आपके असम और मिजोरम और नीचे से देखो तो आपके सिक्किम जलवायु प्रभावित है। इसके अंदर आप देख सकते हो प्रत्येक राज्य का एक वल्नरेबिलिटी सूचकांक हमने इंक्लूड किया है। और ध्यान रखना कि कभी भी पर्यावरण आपका सिर्फ पर्यावरणीय कारणों से नहीं प्रभावित होता है, सामाजिक और आर्थिक कारणों से। तो इसीलिए हमने संपूर्ण सामाजिक आर्थिक स्थिति को इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि हमारा जो रहन सहन होगा, जीवन जीने का जो तरीका होगा, समाज में हम जैसे रहते होंगे वैसे ही हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य होंगे। और हमारे पास कितना पैसा है, कौन कौन से सामाजिक मूल्य हैं, वही आपके पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित रख पाते हैं इसको दर्शाता है। तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर जो भी जोखिम होंगे जलवायु परिवर्तन के, उस पर हम कार्य करेंगे। जैसे कि कुछ जनजातियों के अंदर हो सकता है कि पशु बलि देना एक नॉर्मल बात हो, पर वह हमारी जैव विविधता को कम करेगा, तो डेफिनेटली उस पर हमें लगाम कसनी पड़ेगी। तो ऐसे ही कुछ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य हैं जो हमारी जैव विविधता को कम कर रहे हैं, तो इनके लिए हमें कार्य करना होगा। तो देखिए जलवायु भेद्यता सूचकांक में 8 प्रमुख मापदंडों को अपनाया गया है और इसके आधार पर आपका क्या है, संपूर्ण डेटा कलेक्ट किया जाता है। और खासकर जो राज्य भेद सूचकांक है
उसमें आपके अरुणाचल प्रदेश की, जैसे कि हमने अभी अभी कहा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखी जाएगी। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो महिलाओं की निम्न साक्षरता है उसकी वजह से समस्याएं हैं, कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी जैव विविधता है पर महिलाओं को ये नहीं पता कि किस प्रजाति का जो पेड़ पौधा है वो कितना ज़्यादा मूल्यवान है। अब उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो फिर उसके लिए वो उसको संरक्षित भी नहीं रख सकते। तो इसीलिए निम्न महिला साक्षरता अरुणाचल प्रदेश की, और आपके जो BPL के ऊपर ज़्यादा लोग हैं, आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BPL परिवार में हैं, तो वो आपकी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे ही नागालैंड के प्रमुख मुद्दों में क्या क्या समस्याएं हैं, कि एक तो वन कवर बहुत धीरे से कम हो रहा है, खड़ी ढलान है, पानी नहीं रुक पाता, और उपज का जो परिवर्तनशीलता है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो नागालैंड के मुख्य मुद्दों में क्या क्या चीज़ें हैं, फॉरेस्ट कवर, आपके खड़ी ढलान और उच्च उपज की परिवर्तनशीलता, तो ये सभी कारण हैं जो हमें प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए इस पोर्टल में राज्य के पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और अन्य सभी उन कारकों को इंक्लूड किया गया है जो कि आपके पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जलवायु भेद्यता सूचकांक कौन निकालेगा, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए, तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो कि है पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी। देखिए पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा, पॉली मतलब पॉलीथीन, यानी कि ऐसे जो भी वेस्ट है, इसीलिए पॉली वर्ड यूज किया, क्रैक मतलब उसको तोड़ना, उसको नष्ट करना, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम हमारा जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके अंदर हम एक क्रैक टेक्नोलॉजी लगाएंगे और उससे ऊर्जा बना लेंगे। तो जो कि आपके ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपशिष्ट हैं, जो कि पर्यावरण प्रदूषण करती हैं, उससे हम एनर्जी, ऊर्जा बनाने की एक टेक्नोलॉजी है। तो भारत की फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ये, जहां पर आपके अपशिष्टों से ऊर्जा बनाई जा रही है। तो भारत का ऐसा प्लांट है जो अपशिष्टों से ऊर्जा बनाता है, और उसमें जो तकनीक यूज की गई है वह है आपके पॉलीक्रैक। ये जो प्लांट है आपके कहां है, ओडिशा के मंचेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप में, देश का पहला सरकारी कचरे से ऊर्जा उत्पादित करने वाला संयंत्र बनाया गया है। इसका नाम है पॉलीक्रैक और यह एक पेटेंट कृत तकनीक है, जो ऑलरेडी आपके वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेक्निक है, जो कि आपके ऑलरेडी पेटेंटेड है। और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का देश का है चौथा और भारतीय रेलवे का पहला संयंत्र है, और इसमें अनेक प्रकार के फीड स्टॉक, यानी कि कैसा भी कचरा आप डाल सकते हो, जैसे कि हाइड्रोकार्बन का कचरा हो, कोई तरल ईंधन हो, या फिर आपके गैस, कार्बन, पानी, ये सब आपके बनाए जा सकते हैं, कि आप कोई भी विभिन्न प्रकार के कचरे डालोगे तो उससे ऊर्जा के रूप में आप हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस, कार्बन, पानी, इन सब में बदलने में इसे सक्षम है। भारतीय रेलवे का पहला ऐसा संयंत्र है जो वेस्ट को एनर्जी में बदल रहा है, और देश का चौथा ऐसा संयंत्र है ये। आपके कहाँ स्थापित है, उड़ीसा के मंचेश्वर में। तो देखिए, इस प्रकार का होता है आपका पॉलीक्रैक सिस्टम। इसमें आपके सबसे पहले ये आपके एक यूनिक प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर सिस्टम यूज करता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स को कन्वर्ट करता है, अलग अलग मेथड्स में आपके ये कन्वर्ट करने लग जाता है। और ये जो आपके टेक्नोलॉजी है वो आपके मॉलिक्यूलर कन्वर्जन मेथड पर वर्क करती है, आपके आणविक रूप से परिवर्तनशील प्रक्रिया को अपनाती है। इसमें जितने भी आपके पैथोजेंस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में हाई यील्ड की जो आपके गैस होती है, कार्बनिक वॉलेटाइल जो गैस होती है, लिक्विड फ्यूल जो होता है, उसमें कन्वर्जन होगा, फिर उसको पैलेट में आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आपके अपशिष्ट से पूरा का पूरा एनर्जी यहाँ पर बन जाएगी। तो देखिए, पॉलीक्रैक क्या है, विश्व की पहली ऐसी पेटेंट कृत उत्प्रेरण क्रिया है। इसके अंदर कैटालिकल प्रोसेस है, यह है जिसमें अनेक प्रकार के फीड स्टॉक को हाइड्रोजन, तरल ईंधन, गैस, कार्बन और पानी में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में क्या है, अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र में फीडर सामग्री का भी कार्य कर लेती है। और ध्यान रखिएगा, इसमें अनेक प्रकार के फीड स्टॉक यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो
500 किलोग्राम एक बार में आप इसके अंदर वेस्ट को डाल सकते हो। वेस्ट में तुम सारे के सारे प्लास्टिक को भी यूज कर सकते हो जो कि आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं होती और फिर उसके बाद में क्या करती है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो सभी प्रकार के प्लास्टिक जल जाएंगे, पेट्रोलियम के जो गाद होती है वो इसमें डल जाएगी, 50% तक की आर्द्रता वाली कोई भी ठोस कचरा है जो अलग अलग नहीं किया गया वो तुम डाल सकते हो। भारत की सबसे बड़ी समस्या ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी इसमें डाल सकते हो, ई कचरा। कोई स्वचालित वाहन है उसका निकला हुआ फ्लफ, बांस, बगीचा आदि के जो कचरे हैं उन सबको डाल सकते हो, जत्रोबा, फल, ताड़ के टुकड़े, मतलब सभी प्रकार का ऑलमोस्ट कचरा आप इसमें डालकर एनर्जी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी प्रकार के जो कचरे हैं वो इसमें डाल सकते हो। देखिए अगर आपकी सिस्टम ठीक रहा तो आज शाम को ही आपकी 11th क्लास की और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की क्लास ले लेंगे, पर नेटवर्क पर डिपेंड करेगा ये। नेटवर्क अगर आपके ठीक हो गया तो डेफिनेटली हम आज ही आपकी क्लास ले लेंगे। ओके गाइज, आज ही आपकी क्लास हो जाएगी। तो देखिए इसके लाभ क्या हैं इस संयंत्र की। सबसे बड़ा लाभ तो हमारे पास ये है कि इसके अंदर तुम्हें को पहले क्या होता है, कचरा हमें अलग अलग करना पड़ता है फिर हम के अंदर इस वेस्ट में डाल सकते हैं। हाँ, एक बच्चे का प्रश्न है कि ई कचरा क्या है। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तुम डेली मोबाइल बदलते हो हर महीने, तो जो पुराना मोबाइल है उसमें कुछ विषैले पदार्थ होते हैं वो आपके प्रदूषणकारी होते हैं, तो वो ई वेस्ट है। तुम्हारे टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो यूजफुल नहीं हैं उनसे जो आपके अपशिष्ट बनता है उसे ई कचरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और देखिए इस संयंत्र के फायदे क्या हैं कि तुम्हें अलग अलग सेपरेट नहीं करना पड़ता कचरा, एक साथ भी तुम डाल सकते हो, चाहे वो जैव अपघटनीय हो या जैव अपघटनीय नहीं हो, वो सारे के सारे आपके इजीली तुम इसमें डाल सकते हो। इसमें ये संयंत्र बहुत ज़्यादा आर्द्रता ह्यूमिडिटी को सहन कर सकता है, तो खासकर कचरे को सुखा के फिर डालने की जरूरत नहीं है, सीधे तुम गीला सूखा कैसा भी कचरा इसमें डाल सकते हो और 24 घंटे के अंदर अंदर जितना भी कचरा डाला है उसकी एनर्जी बन जाएगी, तो पूरा प्रसंस्करण आपका हो चुका होगा, तो वो समस्या भी आपके उत्पन्न नहीं होगी। फिर सीधा सीधा कचरा आप यूज़ कर सकते हो और इससे हमें मूल्यवान ऊर्जा मिल जाएगी और जो कीमत है आपके इसके प्रसंस्करण की वह भी बिल्कुल शून्य जैसी ही है, है ना, तो वह भी बिल्कुल शून्य जैसी है। तो यह है आपके पॉली क्रैक संयंत्र जो आपके किसी भी प्रकार के कचरे से आपको ऊर्जा दे सकता है और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे आप गैस, तरल, ईंधन सभी चीज़ें बना सकते हो और आपके स्वयं ही है ऊर्जा को सक्षम करने के लिए यूज में लिया जा सकता है और खासकर इसमें गैस के जो जलने की कैपेसिटी है वह भी इससे इंक्रीज हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए ये पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी। इज़ दैट क्लियर। तो चलो एक जनजाति के बारे में पढ़ लें। सभी को समझ में आ गया पॉली क्रैक क्या है? चलिए, तो सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब अपातानी जनजाति, कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है अपातानी जनजाति के बारे में। तो जो आपकी अपातानी जनजाति है ये कहाँ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश। अपातानी जनजाति पूर्वी हिमालय में मिलेगी और मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के जो नीचे आपके सुबनसिरी है वहां पर एक जीरो घाटी है उसमें ये लोग निवास करते हैं और ये भी आपके पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। तो इस प्रकार से जीवन जीते हैं आपके ये अपातानी जनजाति के लोग और खासकर इस जनजाति के जो लोग हैं वो एक अलग ही धर्म में दोन्यो पोलो का पालन करते हैं। इनका एक अपना अलग धर्म है जिसका नाम है दोन्यो पोलो, उसका ये पालन करते हैं और उसके अंदर मेनली प्रकृति की पूजा करते हैं, अर्थात सूर्य और चांद की पूजा ये करते हैं और पारंपरिक देवताओं को खुश करने के लिए ये पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। ये तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी की जीरो वैली के अपातानी जनजाति के लोग। इनकी अपनी एक अलग भाषा है अपातानी में, तानी यानी अपातानी के नाम से ये उस भाषा को बोलते हैं, तो ये तानी भाषा बोलते हैं इसीलिए इनका नाम अपातानी है और ये आपके इंडिया और तिब्बत की एक उपभाषा है।
और इसी भाषा को आपके IUCN ने वल्नरेबल की श्रेणी में रखा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी भाषा विलुप्त होती जा रही है। तो आपका द फर्स्ट पीपल्स कल्चरल काउंसिल और आपके हवाई यूनिवर्सिटी की एक पहल है जिसका नाम है ELCAT। ELCAT क्या है? आपके एंडेंजर्ड लैंग्वेज कैटलॉग्स। ऐसी भाषाएं जो आपके संकटग्रस्त हैं, धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, उन्हें आपके ELCAT के अंदर रखा जाता है। जैसे IUCN की रेड डेटा बुक में जीव जंतु और पादपों को रखा जाता है, वैसे ही जो भाषाएं विलुप्त हो रही हैं उनको ELCAT के अंदर रखा जाता है, जो कि एक पहल है आपके इसकी फर्स्ट पीपल्स कल्चरल काउंसिल और हवाई यूनिवर्सिटी की। तो उनका जो प्रोजेक्ट है ELCAT का एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, उसके अंतर्गत इसे किस में रखा गया है? वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। अपतानी की जो तानी भाषा है वह विलुप्त होती जा रही है, तो ये आपके सुभेद्य वल्नरेबल भाषा हो रही है आपके अपतानी ट्राइब में। देखो, इन लोगों के अंदर बहुत सारे रोग होते हैं, उनको इलाज करने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है, खासकर इन्हें अच्छी औषधियों की ज्ञान है, क्योंकि उस टाइम पर आपके अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके में काफ़ी सारे रोग फैले और उसके लिए इन्होंने अपनी बेसिक औषधियों के नॉलेज को ही यूज़ किया। तो खासकर इनका जो नॉलेज है प्राकृतिक वनस्पतियों का औषधि के रूप में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साथ साथ इनके दो महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, महत्वपूर्ण त्यौहार हैं इनके, एक तो है ड्री त्यौहार और दूसरा है म्योको। ड्री तो आपका एक कृषि पर्व है, जबकि म्योको आपका दोस्ती भाईचारे को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ड्री इनका क्या है? कृषि पर्व है, और म्योको आपका भाईचारे को बढ़ाने के लिए किया गया त्यौहार है। और ये जो आपके खेतियां करते हैं, जैसे कि चावल मेनली उगाते हैं, और इसके खेती में मशीनों और जानवरों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, खुद इंसान का ही ये प्रयोग करते हैं, खुद ही आपके खेत बोते हैं, ना बकरियों का, ना मवेशियों का और ना ही मशीनों का, किसी का ये प्रयोग नहीं करते। तो इस तरीके से आपके ये अपतानी जनजाति के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने खुद के दम पर ही खेती करते हैं, किसी पशु का, किसी मशीन का यूज नहीं करते। तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, कि जो आपके बकरियों मवेशियों का खेत में यूज नहीं कर रहा वो उर्वरक क्यों यूज मिलेगा? तो इसीलिए पूर्णतः 100% आपके पूर्णतः आपके ऑर्गेनिक खेती ये करते हैं, और इनकी उत्पादकता जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और पारिस्थिति को संरक्षित भी रखने के ये अनोखे तरीके अपनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके अब ऑब्वियसली ना पशुओं का यूज़ कर रहे हैं, ना मछियों का यूज़ कर रहे हैं, कोई उर्वरक भी यूज़ नहीं कर रहे, तो कृषि की होती भी बहुत अच्छी पैदावार है, और वो पूरी की पूरी कृषि आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रयोग किए जाती है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपके ऑर्गेनिक खेती का, और इनके लिए जो पर्यावरण को संरक्षित रखना है उसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हैं ये लोग, उसके लिए अनोखे अनोखे तरीके अपनाते हैं। इसीलिए आपके जो अपतानी घाटी है, जिसे जीरो वैली कहते हैं, जहाँ पर अभी अभी आपने देखा सुबनसिरी के अंदर जीरो वैली मिलती है, तो जीरो वैली अर्थात अपतानी घाटी, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल करने के लिए प्रस्तावित है। अभी शामिल नहीं की गई है, परंतु भारत ने इसको विश्व धरोहर स्थल के लिए प्रस्तावित कर रखा है, कि आपके यूनेस्को थोड़े दिनों में अगर सारी कंडीशन फुलफिल हुई तो यह भी आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ जाएगी। तो इतनी अच्छी जैव विविधता है और इतनी अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग है यहाँ पर, इसीलिए आपके ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आने के लिए प्रस्तावित है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? अपतानी जनजाति की। कई बार UPSC ने अपतानी जनजाति पर क्वेश्चन पूछा है, तो इसीलिए इस पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, भारत में आपका पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बना है। और देखिए, इतना आपको पता होगा, हाथी कहाँ ज़्यादा मिलते हैं? साउथ इंडिया में। तो हाथी पुनर्वास केंद्र भी कहाँ बनेगा? साउथ इंडिया में। कहाँ पर बनेगा? केरला के अंदर। खूब सारी मूवीज़ में, शादियों में तुमने देखा होगा हाथी को सजाकर शादियों में ले जाने का रिवाज है। कोई साउथ की मैरिज तुमने अटेंड की हो तो देखा होगा, अगर कभी साउथ की मैरिज में जाओ तो वहाँ पर हाथियों के सजाने का, जो जितना ज़्यादा पैसे वाला होता है वो उतना ही ज़्यादा हाथियों को सजा कर लेकर जाता है, और हाथी के आगे फेस पर जो ऑर्नामेंट वगैरह लगाए जाते हैं, जो आभूषण लगाए जाते हैं, उनको घर में भी सजाया जाता है। तो केरल का इको टूरिज्म का एक गांव है कुट्टूर, जहां पर आपके पर्यावरणीय पर्यटन बहुत फेमस है, वहीं पर हाथी, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र
फर्स्ट इंडियन रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। कहाँ पर? इको टूरिज्म गांव है आपका केरला का, कुट्टूर नाम है उसका, वहां पर आपके यह योजना स्टार्ट की गई और हाथी का पुनर्वास केंद्र यहाँ पर बनाया गया कि वापस आपके हाथियों की संख्या बढ़ाई जाए। और ये जो योजना है, श्रीलंका के अंदर एक योजना चल रही थी आपके पिना वाला हाथी अनाथालय, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था, वो भी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है आपके श्रीलंका का, उसी के तर्ज पर भारत में ये हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जितने भी परित्यक्त, अनाथ, घायल और बूढ़े हाथी हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि देखो, हाथी को पालना आसान काम नहीं है, हाथी को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और कोई भी नॉर्मल आदमी हाथी को नहीं पाल सकता। ये कोई घर में कुत्ता पालने जैसा नहीं है, इवन जितना तुम एक महीने में खाओगे उतना हाथी एक दिन में भी खा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे वाला होना पड़ेगा, और ख़ासकर जो हाथी बूढ़े हो जाते हैं, जिनके कुछ रोग हो जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए आपके श्रीलंका के अंदर जो अनाथालय खोला गया था पिनावाला में, वैसे ही आपके जो परित्यक्त बूढ़े हाथी हैं, बीमार हाथी हैं, घायल हाथी हैं, उनको रखा जाएगा हाथी पुनर्वास केंद्र में, जो कि आपके कोट्टूर केरल के एक इको टूरिज्म गांव में रखा जा रहा है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इससे हाथियों के बारे में हमें थोड़ी जानकारी ज़्यादा मिल जाएगी, शोधकर्ताओं को, पशु चिकित्सा संबंधी छात्रों के लिए भी बहुत इजीली सहायता हो जाएगी, और साथ साथ में हम हाथी संग्रहालय, महावत प्रशिक्षण केंद्र और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसी चीज़ें भी खोल सकते हैं। तो उससे आपके क्या होगा, हमारी जैव विविधता को संरक्षित रखने का एक नया आयाम हमें मिल जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हो, हाल ही में भारत ने यूपी के मथुरा के एक वन्य जीव SOS हाथी अस्पताल में भी गठिया, जोड़ों, पैर का दर्द और इन सभी के बीमार हाथियों का अपना एक पहला वाटर क्लिनिक भी हमने खोला है। तो हमने मथुरा के अंदर क्या है, एक पहला वाटर क्लिनिक खोला है, जो कि आपके हाथियों के गठिया, जोड़ और ऐसे बीमारियों का इलाज करता है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखेंगे, हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? हमारा हाथी पुनर्वास केंद्र है केरल के इको टूरिज्म का एक गांव है, कोट्टूर नाम का। तो ध्यान रखना, भूल भी जाओ तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना कि हाथी साउथ में ज़्यादा मिलते हैं, मूवीज़ के अंदर केरल की शादियों में हाथी बहुत फेमस हैं, तो डेफिनेटली केरल के ये खुला। चलिए अब बात करेंगे हम हाउ बारा बस्टर्ड की। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हमने आपको बता दिया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जिसे गोडावन के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान का राज्य पक्षी भी है आपके, महाराष्ट्र में इसके प्रजनन के लिए केंद्र भी हमने खोला हुआ है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हमने काफ़ी बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हाउ बारा बस्टर्ड की। तो जो हाउ बारा बस्टर्ड है, ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के ने कतर के शाही परिवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित हाउ बारा बस्टर्ड पक्षी के शिकार हेतु विशेष परमिट जारी कर दिया है। देखो, पाकिस्तानियों ने क्या किया है, पाकिस्तान की सरकार ने पूरे वर्ल्ड में आपके जो संरक्षित है हाउ बारा बस्टर्ड, उनको कह दिया कि कतर का शाही परिवार जब पाकिस्तान आए तो यहाँ पर आपके प्रायद्वीप के क्षेत्रों में माइग्रेट करते हुए, प्रवास करते हुए चले जाते हैं, और वहीं पर आपके पाकिस्तानियों ने आपके कतर के शाही परिवार को इनको मारने की परमिशन भी दे दी है। और मेनली इनका आप देखो, मारने की परमिशन दी है, तो जो इल्लीगल आपका शिकार किया जा रहा है वही इनके कम होने की सबसे बड़ी समस्या है। तो इनके कम होने की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके, कि इनका अवैध शिकार किया जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बफरिंग क्यों हो रही है? आप रिफ्रेश करो अपना पेज, रिफ्रेश कर लीजिए, बफरिंग नहीं होगी। रिफ्रेश योर पेज अगेन। चलिए, वैसे भी लास्ट टॉपिक बचा है, नो इश्यूज, हाउ बारा बस्टर्ड हमारा हो चुका है। एक ईल लास्ट टॉपिक है, ईल को खत्म कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, ईल क्या है आपके, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आपके एस्चुरी बायोलॉजी के रीजनल सेंटर में समुद्री ईल की एक नई प्रजाति हमें मिली है। ईल एक प्रकार का ऐसा प्रजाति होती है आपके, कुछ कुछ कैचुए का बड़ा वर्जन तुम मान सकते हो। मान लो कि कैचुए को के साइज को तुम 10 गुना बड़ा कर दो, तो इस प्रकार की जो प्रजाति होगी वो आपके ईल कहलाएगी। तो ये आपके ईल
कहलाती है। तो देखिए, ऑफिस चतुष्वर्ग की 7 प्रजातियों की पहचान पहले ही भारत के तटीय क्षेत्रों में की जा सकती है। मेनली आपके ये उभयचरी प्रकार का जंतु होता है, तो तटीय क्षेत्रों में ही आपके ज़्यादा मिलता है। और हमारी एक जो नई समुद्री प्रजाति है, वह हमने हमारे भारत जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र, उन्हीं के नाम पर इसे नाम दिया गया। उनके सम्मान पर हमने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर रह चुके हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र, उन्हीं के नाम पर हमने समुद्री प्रजाति का नाम दिया है। नाम है ऑफी चतुष कैलाश चंद्र, ऑफी चतुष कैलाश चंद्र चंद्रई के नाम पर ये इस नई ईल प्रजाति को नाम दिया है। बस केवल तुम्हें नाम ध्यान रखना है और ज़्यादा चीज़ें नहीं। ईल बाकी समुद्री प्रजाति है, इससे रिलेटेड बेसिक कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑफी चतुष है आपके, वह आपके 7 पहले ही प्रजातियाँ मिल चुकी हैं, 8वीं आपके अब मिली है। और 2 वर्ष पहले आपके उड़ीसा के अंदर तटीय क्षेत्रों में मिलती है, तो उड़ीसा के गोपालपुर इसमें स्थित समुद्री केंद्र पर भी आपके 2 प्रजातियाँ खोजी गई थी। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका जिसका नाम क्या है जुटाक्सा के अंदर भी आपके इस नई समुद्री प्रजाति को माना गया। और अभी जो आपके 2 नई अन्य प्रजातियां मिली थी तब उनका आपका 2019 के अंदर जिम्नो अंडामानेसिस जो कि अंडमान निकोबार में मिली थी आपके, और ऐसे ही जिम्नोथोरेक्स स्मिथी नाम की 2 प्रजातियां मिली थी। तो इतने नाम तुम्हें ध्यान नहीं रखने, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ईल की एक नई प्रजाति मिली है, वो एक समुद्री जीव है, और यह आपके हमारे जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र, उनके नाम पर इसका नाम दिया गया है। इतना भी ध्यान रखा जाएगा तो बहुत है, बाकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है, इसीलिए जुटेक्सा में भी इनका नाम वर्गीकृत किया गया है। दैट्स इट, इतना भी ध्यान रहेगा तो बहुत है। इसके अलावा इसकी और भी कई 2 परिवार हैं, अब इतना फैक्ट याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मन हो तो देख सकते हो। विशेषताएं जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि विशेषताओं पर क्वेश्चन आ सकता है, फैक्ट पर इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखो विशेषता क्या है आपके, कि लगभग 50 मीटर की गहराई पर रहती हैं ये सारी ईल, लंबाई लगभग 420 mm होगी, तो काफ़ी ज़्यादा गहराई पर, 50 मीटर की गहराई अच्छी खासी गहराई होती है आपके। तो ये जो हमारी जलीय तंत्र की जो पारिस्थितिकी है, जिसमें आपके फोटिक लेवल होता है, नेक्टिक कम्युनिटी होती है, और फिर होती है बेंथिक कम्युनिटी, जो आपने इकोलॉजी की जनरल क्लास में पढ़ा होगा, तो उसी के बेसिक्स में नेक्टन ऑन बेंथिक कम्युनिटी आती है। तो जो नेक्टन कम्युनिटी है उसका पार्ट है ये, क्योंकि 50 मीटर आपके नेक्टक कम्युनिटी के अंदर आ जाएगा, जहां पर आपके कभी प्रकाश आता है कभी नहीं आता है, तो समवॉट आपके सेमी फॉबिक एरिया हो जाता है। तो ये आपके नेक्टिक कम्युनिटी के अंदर आएगा। ये हल्के भूरे रंग के होते हैं, सफेद पंख इनके होते हैं, और ये अच्छी तरीके से विकसित एक पृष्ठीय पंख भी इनके पास पाए जाते हैं। बाकी इनका जो खाना होता है वह होती है छोटी मछलियां और केकड़ों को खाकर ये अपना जीवन बसर करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई आपके ईल के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। कल आपको हम, कल संडे है आपका, कल हम आपको इंडिया के 12 बजे सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम बताएंगे, ठीक है। तो भारत में कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, अति संकटग्रस्त हैं, उन सभी के बारे में आप कल की क्लास में जानेंगे। तो ओके बाय गाइस, पीडीएफ आपको मिल जाएगी एसके शर्मा यूपीएससी स्टूडेंट फोरम पर, सर्च करो @unacademy_sk_sharma के नाम से। और आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपको कोई भी डाउट हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अनअकैडमी को जब ज्वाइन करें यूज़ माई रेफरल कोड SS Live रेफरल कोड को यूज़ कीजिए। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और जिन भी बच्चों के बफरिंग की वजह से वीडियो थोड़े मिस कहीं हो गए हो, दोबारा उसको देख लीजिए, अब आपको कंप्लीटली रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो उसमें कोई बफरिंग नहीं होगी। तो ओके बाय गाइज, थैंक यू टू, कीप ए पेशेंस विद मी, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।